हेलो फ्रेंड्स, संगीता स्वॉट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चाइनीज़ पोहा बनाएंगे। अगर नाश्ते में आलू के पोहे खा के बोर हो रहे हैं तो इस तरह से चाइनीज़ पोहा बना सकते हो और ये पोहा झटपट बन जाता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनता है। तो चाइनीज़ पोहा के लिए हम सबसे पहले सब्जियाँ को काट के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने केबेज लिया है, उसके बाद एक कैप्सिकम, उसके बाद फंसी लिया है और ये है स्प्रिंग ऑनियन। तो ये सारा वेजिटेबल को हम काट के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमने केबेज को एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है, उसके बाद कैप्सिकम एंड स्प्रिंग ऑनियन एंड फंसी को भी कट कर लिया है। तो वेजिटेबल हमारा रेडी हो चुका है। तो दूसरी साइड हम पोहा को भी भिगोने के लिए रख देते हैं। तो 2 कप हम ये छन्नी में पोहा डालेंगे। हम 3 लोगों के लिए पोहा बनाने वाले हैं, तो 2 कप हम पोहा डाल देते हैं। पोहा को अच्छे से छान लेते हैं। पोहा को गीला कर लेते हैं। तो इस तरह से पोहा को गीला कर लेना है और ये पोहा को हिलाना नहीं है। इस तरह से पोहा को गीला करके हम पोहा को छोड़ देते हैं। 1 मिनट तक हम पोहा को रख देते हैं और दूसरी साइड हम चाइनीज पोहा के लिए वेजिटेबल को सोते कर लेते हैं। और ये पैन में हम 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल डाला है, तेल यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्यादा डाल रही हूँ, तेल आप अपना हिसाब से डाल सकते हो। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम आधा कप उसमें फणसी डालेंगे। तो ये फणसी को तेल में पकाना है, अच्छे से गल जाएगी। तो हम 1 मिनट तक हम ये फणसी को तेल में पकाएंगे। उसके बाद 1 कप जितना केबेज, आधा कप जितना कैप्सिकम एंड आधा कप जितना स्प्रिंग ऑनियन उसमें डाल देंगे। उसके बाद आधी स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। उसके बाद नमक, अच्छे से वेजिटेबल को मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हम वेजिटेबल को इस तरह से हिलाएंगे ताकि हमारा वेजिटेबल भी गल जाए। तो ये वेजिटेबल को हम ज्यादा कुक नहीं करेंगे। तो फंडसी तो हमारी ऑलरेडी गल चुकी है और आप देख सकते हो केबेज तो उसमें दिख भी नहीं रही है। अभी हम ये वेजिटेबल के अंदर सॉस डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून भर के चिली सॉस डाल रही हूँ। तो चिली सॉस की रेसिपी भी हमने अपलोड किया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना सोया सॉस, उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप डालेंगे। सॉस डाल के अच्छे से वेजिटेबल एंड सॉस को मिक्स कर लेंगे। तो ये वेजिटेबल में फिर से थोड़ा सा टोमेटो केचप एंड चिली सॉस डाल रही हूँ। तो सॉस वगैरह आप अपना हिसाब से डाल सकते हो, मतलब आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हो उतना चिली सॉस डाल सकते हो। तो लीजिए, हमारा वेजिटेबल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो एकदम वेजिटेबल गल चुका है। तो हम ये वेजिटेबल के अंदर पोहा डाल देंगे। पोहा भी हमारा एकदम खिलखिला है। तो इस तरह से पोहा को भिगोने के लिए रखना है। तो 2 कप पोहा हमने उसमें डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। अच्छे से पोहा को मिक्स कर लेते हैं।
तो लीजिए, हमारा सादा सिंपल चाइनीज़ पोहा खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये चाइनीज़ पोहा मैंने 3 लोगों के लिए बनाया है। ब्रेकफास्ट में ये 3 लोग आराम से खा सकेंगे, उतना ये पोहा बना है। और ये पोहा रियली टेस्ट में बहुत बढ़िया बना है। आप भी इस तरह से चाइनीज़ पोहा बना के जरूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।